नमस्कार कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस एमबी कैंपस से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये नो कॉन्टैक्ट के लिए है, जो नो कॉन्टैक्ट में है या जिनका सेपरेशन, आपस में बातें नहीं हो पा रही है, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है, उनके लिए है। तो इसमें सबसे पहले कैंसर हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें कैंसर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हर्मिट। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में जो है पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराने के बारे में सोच रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो ये जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी है वो ख़त्म होगी, जो रिश्ता रुक चुका है वो थम चुका है वो फिर से आगे बढ़ सकता है। तो वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हुए परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेकर, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को पास्ट उन दिनों को याद करना चाहिए, पास्ट वाले दिनों को, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को जो उन्हें खुशी देते थे। तो उनको फील हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में फिर से परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उन दिनों को, उन पलों को, उन क्षणों को याद करेंगे जो उनके साथ, एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो धीरे धीरे करके ये जो रुका हुआ रिश्ता है, जो थम गया है, तो इसमें यूनिवर्स की तरफ से उन्हें मैसेज मिलेगा और ये रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद होगी। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि अगर वो पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, सुख समृद्धि, खुशहाली आ सकती है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो देखते हैं कैंसर वो आपसे क्या चाहते हैं, कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिव फेज से ये रिश्ता होकर गुजरा है, रिश्ते में पनौती आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, जब से रिश्ता बना कुछ ना कुछ मतलब ख़राब होता चला जा रहा है। तो कुछ ग्रह नक्षत्र की वजह से हो सकता है, कुछ सिचुएशन ऐसे हो सकती है जिसकी वजह से इस रिश्ते में बार बार पनौती, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो एक तरफा उन्हें लग रहा है वो चाहते हैं कि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, दूसरी तरफ उनको लगता है कि उन्हें सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहिए। तो अभी क्योंकि इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, अभी इस रिश्ते में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, तो थोड़ा सा वो समय को समय और वक्त देना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो आप सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, कैश, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगा, फ्रूटफुल होने में, कामयाब होने में उनकी मदद करेगा। तो इसलिए वो सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं और इस चुप्पी और खामोशी के साथ वो अपने सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं।
हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता उसका वो वेट इंतज़ार करेंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी ख़त्म होगी। इस रिश्ते को वक्त चाहिए, समय चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, धीरे धीरे वो ख़त्म होगी। और इस रिश्ते में अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने में कामयाबी मिलने में आसानी होगी। तो इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपना जो जॉब, नेम, फेम, बिजनेस, उन चीज़ों के बारे में अभी आपसे बातें ना करते हुए सिंगल, यानी कि जो दूरियां बनी हुई हैं, एक तरह से सिंगल बने हुए हैं वो, तो उसमें रहते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे। या हो सकता है कि आप इसमें चाहते हैं कि पहले, सबसे पहले इसमें अपना नेम, फेम, जो बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों के लिए फोकस करना चाहिए, ताकि रिश्ते में फिर से कोई पनौती, बाधा, दिक्कत ना आए, और उसके लिए हीलिंग रिक्वायर्ड है, यानी कि हीलिंग करनी जरूरी है, चुप रहना जरूरी है, खामोश रहना था जरूरी है, ताकि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता तब तक किसी चीज़ का खुलासा किसी के सामने ना हो। तो देखते हैं इसका, इसमें वो क्या एक्शन लेंगे। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, उन्हें क्योंकि इस रिश्ते में उनका दिल टूटा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं वो, हो सकता है कि अभी भी किसी दर्द से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि जो दूरियां बनी हुई हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, तो उससे नेगेटिविटी आई है, तो इस रिश्ते को वो स्पिरिचुअल, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि वो यही एक्शन चाहते हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनका नज़रिया चेंज होगा, और इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। या तो वो अपने नज़रिए से, या तो सामने वाले के नज़रिए से इस रिश्ते को अच्छे से देख पाएंगे और इस रिश्ते को पॉजिटिव और कामयाब बना पाएंगे। और वो इस रिश्ते में वो भी एक्शन चाहते हैं कि बजाय के इधर उधर भटकने के, बजाय के परेशानी में रहने के, एक दूसरे पर शक करने के, एक दूसरे के ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रखने के, अगर वो समय रहते आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, डिसीजन लेते हैं एक दूसरे के लिए, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी रही है, जो भी लस्ट एडिक्शन रही है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और नए सिरे से एक दोस्त की तरह, एक नई ताजगी के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, नई उमंग, नए हौसले के साथ, एक दूसरे के साथ अगर डेट्स पर जाएंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और ये भूल जाएंगे कि उनका पहले भी कोई रिश्ता रहा है, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, उन चीज़ों को, उनके लिए सिक्कों को भूलना चाहिए जो इस रिश्ते में एडिक्शन दे रहे हैं, लस्ट दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी गहरे वाला प्यार है, भले ही इसमें एडिक्शन है, लेकिन समय रहते अगर वो डिसीजन लेते हैं तो यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ नेगेटिविटी ख़त्म होगी, गिले शिकवे ख़त्म होंगे और ये रिश्ता फिर से एक नई पिकनिक के साथ आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स से कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स से अभी गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी, हालांकि आप स्टक हो चुके हैं, आप महसूस करते हैं कि आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है, लेकिन अभी आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है, तो कभी दोबारा से इस रिश्ते में ब्रेकअप हो रहा है, कभी
ब्रेकअप चलता है, कभी दोबारा से नो कांटेक्ट की स्थिति बनती है, कभी बातें होती हैं कभी नहीं होती हैं, तो इस तरह की पोजीशन चली हुई है। तो इसलिए वो हालांकि अभी वो जगलिंग फेज में है, अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अभी एक इस रिश्ते में नई बिगनिंग नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए एक ताजगी के साथ, एक दोस्त के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ गेट टुगेदर करना, उनके साथ बातें करना, वो सब करना चाहिए, या फिर इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल कर, क्योंकि इस रिश्ते में कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, पैसे प्रॉपर्टी की तरफ, या किसी दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप जो अभी जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं, पहले उस चीज से, उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, डिसाइड कीजिए कि आपको एक नए सिरे से नई बिगनिंग नई शुरुआत करनी है, या फिर यूनिवर्स जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नया रिश्ता दे रहे हैं, तो उसको उस पर आपको उसको एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अभी आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं, तो पहले इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलिए, और जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सही लगे, आपके पास और नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, और इस रिश्ते में आने का भी अगर आप बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप जगल कर रहे हैं, अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।